मोबाइल पूरा हीट मार चुका है, हैंग कर रहा है, बंद हो जा रहा है बार बार। अभी तक हमें कोई भी वो भी अच्छा स्टाफ स्टैंड में देखने को नहीं मिला। खासकर कहीं ना कहीं पैसेंजर्स की भी गलती है कि डस्ट कोच का कोई साफ सफाई करने वाले ही नहीं। वो भी अच्छा स्टाफ कल से ऑन बोर्ड नहीं है। साफ करो, इस बार तो अलग ही लेवल की गर्मी चल रही है भाई। देवियों सज्जनों, मेरा नाम है शशांक, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। ट्रेवल करने वाले हैं जलियांवाला बाग एक्सप्रेस में। ये ट्रेन पंजाब के अमृतसर को कनेक्ट करती है झारखंड के टाटानगर से, और इस ट्रेन को हम बोर्ड करेंगे बरेली जंक्शन से, जहां पर इस ट्रेन के पहुंचने का टाइम था लगभग 10:35, लेकिन ट्रेन चल रही है अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 25 मिनट डिले। तो जी आ चुके हैं बरेली जंक्शन के बाहर, और रात के समय भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है ना भाई, क्या खतरनाक गर्मी पड़ रही है यार। इसकी वजह से सोचा रात में ही किसी ट्रेन जर्नी का प्लान करते और रात से ही अपने नए टूर की शुरुआत करते, क्योंकि दिन में भाई पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था यार किसी भी ट्रेन में जर्नी करना। और समर वैकेशन का टाइम चल रहा है, टिकट्स भी आप जानते ही हैं भाई इस टाइम पर कितनी ज़्यादा मारा मारी रहती है। तो फाइनली भाई इस ट्रेन में भाई वेटिंग लिया था, लेकिन कोटा लगवा के टिकट कंफर्म कराया गया, बहुत मुश्किल से टिकट कंफर्म हुआ। बाकी चलिए प्लेटफॉर्म पर चलते, लगभग 1.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन आएगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा पहले ही आ गया, घर भी यहाँ से दूर है, थोड़ा सा वेटिंग रूम में रेस्ट करते हैं चलकर। ट्रेन जैसे ही आती है करते हैं नई जर्नी की शुरुआत। 1 घंटा लगभग वेटिंग रूम में बैठने के बाद मैं वहाँ आ गया भाई प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वेटिंग रूम में भी इतना ज़्यादा रश था ना भाई, एसी वगैरह कुछ काम ही नहीं कर रहा था। उससे ज़्यादा सुकून तो अपना प्लेटफॉर्म पर है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठे हुए हैं। और इधर आइए, अपना पद्मावत एक्सप्रेस दिल्ली से प्रतापगढ़ के बीच में चलती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है भाई, हमेशा पैक चलती है, इसमें भी आपको टिकट नहीं मिलनी भाई टाइम टू टाइम पर। लेकिन इस ट्रेन में एक चीज़ देखकर अच्छा लग रहा है कि इसमें जो आपका स्लीपर के कोच है ना भाई, करीब 8 से 9 स्लीपर के कोच लगे हैं LHB होने के बाद भी। A few moments later. इसके साथ ट्रेन हमारी थोड़ी और ज़्यादा लेट हो चुकी है, लगभग 2 बजे के आसपास ट्रेन हमारी आएगी बरेली जंक्शन। तो चलिए अब आपके साथ ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की रूट शेड्यूल और टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन अमृतसर से टाटानगर के बीच चलती है, तो शुक्रवार को ये ट्रेन अमृतसर से टाटानगर के बीच चलती है। टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे लगभग 1750 किलोमीटर का टाइम लगेगा, 32 घंटे 25 मिनट 25 हॉल्ट के साथ। एवरेज स्पीड रहेगी 58 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड जाने वाली है 130 किलोमीटर पर आवर। हमारा रूट होने वाला अमृतसर से जलंधर, लुधियाना, सहारनपुर, रुड़की होते हुए हम आएंगे मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, वाराणसी, DDU, सासाराम, गया, कोडरमा होते हुए हम पहुंचेंगे टाटानगर तक। भाई ट्रेन का इंतजार करते करते लग गई हमें भूख, तो हमने लिया एक वेज सैंडविच, जो अपना लाउंज है ना IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज, वहीं से 30 रुपये का दिया है। और टेस्ट की बात की जाए भाई, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या, बिल्कुल भी भाई फ्रेश नहीं है। तो अगर कभी आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ लेने से पहले चेक कर लेना कि फ्रेश मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिल्कुल क्या भाई, टाइम हो चुका है 2:20, अब जाकर फाइनली हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है भाई, और बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्या बताएं, इतना ज़्यादा ट्रेन लेट हो जाएगी इस चीज़ की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
few moments later. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑफ भाई साहब. सुबह उठने के साथ साथ ही मूड बिल्कुल बेकार हो गया यार, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना वो लगभग 6 घंटे डिले चल रही है. जब हमने रात में ट्रेन बोर्ड की तो लगभग 3.5 घंटे के आसपास लेट थी, लेकिन भाई 6 घंटे लेट चल रही है. कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन. वही यार, इतना ज़्यादा लेट हो गई रात में. उम्मीद थी हमें कि रात में चलेगी सही तो कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन हो गया भाई. बहुत ज़्यादा लेट हो गई, सुबह का 9 बज चुका. मैं भी भाई थोड़ा आराम से सो लिया, उठ तो गया था लेकिन सोचा थोड़ा सा और सो लेते हैं आराम से. और सुबह होने के साथ ही ना भाई, अभी 9 बजा है और गेट पर खड़े होने की कंडीशन नहीं है. इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज हो रही है भाई. ये देखिए आगे चलिए, फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं. इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है तो थोड़ा सा खाने का भी रिव्यू करके आपको बताएंगे खाना वगैरह कैसा मिल रहा है. ब्रेकफास्ट वगैरह तो अभी मिल रहा है, अभी मतलब ब्रेड ऑमलेट वेज कटलेट पोहा वगैरह सारा इसमें अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ ट्राई करके आपको रिव्यू ज़रूर देंगे. और ये कुछ कंडीशन, अभी मैं आ गया हूँ 3rd AC के कोच में, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी का कोच है ना भाई, बहुत बुरी हालत है उसकी. तो सोचा यहीं पर आकर थोड़ा सा आपसे बातचीत की जाए. कोच तो अभी तक बिल्कुल साफ़ है. तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई ट्रेन 6.5 घंटे लेट है, रीज़न क्या है ये तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ शायद मेरे ख्याल से बाराबंकी के आसपास कुछ काम वाम चल रहा है, इस वजह से डिले. अब मैं पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद. बाकी चलिए, अगर पता चलेगा तो मैं आपको आगे बता ही देंगे. अयोध्या कैंट, घंटे की देरी के साथ हम लोग आ चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन. ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह 5:05 पर, लेकिन ट्रेन यहाँ आई है 10:05 पर. और रश यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, ट्रेन लोगों ने इस स्टेशन से भी ट्रेन को बोर्ड किया. और अयोध्या कैंट अगर आए तो भाई एक बार कमेंट में जय श्री राम तो होना बनता ही है ना. काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आना हुआ, लास्ट मेरे ख्याल से वंदे भारत के इनॉग्रेशन पर ही आए थे, इसके बाद से अब जाकर चक्कर लगा है. लेकिन एक आध बार बीच में और आना हुआ था. 64 ट्रेन यहाँ पर डेली हॉल्ट करती है, 12 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 12 ट्रेन होती है यहाँ से टर्मिनेट. और भाई बाहर आते बिल्कुल पसीना छूटने लगा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, खतरनाक हीट वेव चल रही है. ट्रेन नंबर है हमारा 18104. ये था हमारा कोच 3rd AC इकोनॉमी. बाकी कोच बिल्कुल पैक चल रहा है. एक तो मिडिल बर्थ है यार, इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है. तो भाई अंदर ही चलते हैं, बाहर खड़े होने लायक बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है. जितनी ट्रेन अयोध्या कैंट से खाली हुई है ना, इतनी ही ट्रेन अयोध्या कैंट से पैक हो चुकी है. सब लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं, और इतनी गर्मी में भी नहीं यहीं रुकेगी. और इतनी गर्मी होने के बाद भी देखिए, जो श्रद्धालुओं का जो क्रेज़ है ना भाई, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है. तो चलो भाई अंदर ही चलते हैं, बाहर खड़े होने लायक बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है. 20 मिनट के हॉल्ट के बाद अयोध्या कैंट से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, और ट्रेन लगातार भाई लेट ही होती जा रही है. बिल्कुल भी अब तो उम्मीद ही नहीं है कि कुछ ना कुछ ट्रेन टाइम कवर करेगी या कुछ होगा. और दादाजी वीडियो बना रहे हो क्या? तो बंक में ना देखते हो? हाँ हाँ, आपको नहीं बोल रही, इनको बोल रहे. अयोध्या कैंट जंक्शन के बाद अब हम लोग
क्रॉस कर रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को। अगर आप अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं और जलियांवाला बाग एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन नंबर 18104 टाटा नगर अमृतसर, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकती है, ना कि अयोध्या धाम जंक्शन को। बाकी यहाँ पर भाई काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिस दिन इसका इनॉग्रेशन था, जब हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था, तब मैंने यहाँ पर आकर आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा एक्सक्लूसिव भाई ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर फैसिलिटी आपको इस स्टेशन पर मिल जाएगी, ऐसा फील होगा जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर पहुँच गए हों। बाकी ये है इसकी ब्रांड न्यू बिल्डिंग, जो काफ़ी ज़्यादा भाई एडवांस बनाई गई है। सामने देखिए, आपको इसमें एंट्री करने के लिए आपको 4 से 5 गेट मिल जाएंगे, मतलब बाहर से प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और ऊपर आपको फ्लाईओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। बाकी जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन पर इतना ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा, जो शायद पहले आप कभी नहीं देख पाते थे। इसके साथ डेवलपमेंट भी भाई काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पर, चाहे आप वो ट्रेन के अकॉर्डिंग देख लें। आप वंदे भारत जैसी ट्रेन भी अब आपको अयोध्या से मिल जाएगी डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ है रेलवे स्टेशन पर, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद भी भाई इतना रश यहाँ पर, ये सब श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आए हुए श्रद्धालु हैं, जिनका भाई गर्मी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी काफ़ी स्लो हम लोगों ने स्किप किया था अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को, और मेरा लास्ट टाइम यहाँ पर जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, तब मैं आया था 22 तारीख को। इसके बाद तो अभी तक तो आने का चांस नहीं मिला है, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे कि आकर एक बार फिर से दर्शन किए जाए। लगभग 5.5 घंटे की देरी के साथ हम आ चुके हैं इस ट्रेन के हॉल्ट नंबर 13 शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अमृतसर से लगभग इस ट्रेन ने 1080 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और गर्मी तो आप देख ही रहो कितनी खतरनाक है भाई, पूरा टॉवल थी हमारे पास एक छोटी, उसको डाल कर कैप लगा कर बाहर निकल कर आए हैं। ट्रेन के यहाँ पर पहुँचने का टाइम तो सुबह 7 बजे ट्रेन पहुँची है, लगभग 12:30 बजे, क्या ही कहा जाए भाई। बाकी क्या गर्मी हो रही है, काफ़ी पैसेंजर ने यहाँ से ट्रेन को डिवोट किया। बाकी इधर लगी हुई है शहीद एक्सप्रेस, जिसका यहाँ से लोको रिवर्सल होता है, जंक्शन पॉइंट ये इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका एक लाइन निकल जाती है मऊ जंक्शन के लिए, तो इसलिए ट्रेन का यहाँ से लोको रिवर्सल होने वाला है। बाकी भाई कोच के अंदर ही चलते हैं, खड़े होने की हालत ही नहीं हो रही है यार गर्मी, क्योंकि एक को AC में ट्रेवल कर रहे हैं तो बार बार ठंडा बाहर आएंगे उससे बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए भाई अंदर ही चल के बैठते हैं। क्या करो, इस बार तो अलग ही लेवल की गर्मी चल रही है भाई। बाहर आया हुआ मोबाइल पूरा हीट मार चुका है, हैंग कर रहा है, बंद हो जा रहा है बार बार। सही में जब डिवाइस का ये हाल है भाई, तो हम जैसे हुआ क्या हाल होगा इंसान का, भाई पूरी स्किन जल रही है। बाकी चलो भाई ट्रेन के अंदर ही चलते हैं, बिल्कुल भी खड़े होने लायक कंडीशन नहीं है बाहर। लग रही है अब कल रात से ट्रेन में बोर्ड है, अभी तक हमें कोई भी OBHO स्टाफ इस ट्रेन में देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कोच और के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है ना, खासकर कहीं ना कहीं पैसेंजर्स की भी गलती है कि डस्टबिन होने के बाद भी वो कचरा जो है भाई ऐसे ही डाल देते हैं। बाकी शाहगंज से हमारा डिपार्चर हो चुका है, ये देखिए भाई हाल, कोच का कोई साफ सफाई करने वाले ही नहीं, OBHO स्टाफ कल से ऑन बोर्ड नहीं है। कहीं ना कहीं पैसेंजर्स वगैरह जो खाते हैं ना डस्टबिन दिया हुआ, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही डालें। बाकी जो शाहगंज से ट्रेन हमारी निकल चुकी है, और रश देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर पैसेंजर्स ने ट्रेन को डीबोर्ड किया है, तो गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है भाई की क्या ही बताया जाए, हीट वेव चल रही है भाई बिल्कुल भयंकर। तो
जी शाहगंज जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है और डिपार्चर लेने के बाद भाई कोच के अंदर ही चलते, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही यार खड़े होने की, बहुत ज़्यादा खतरनाक गर्मी है भाई। लगभग 7 घंटे के आसपास डिले हो चुकी है और अभी ट्रेन हमारी खड़ी हुई है पिछले 20-25 मिनट से जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। पता नहीं क्या कारण है भाई, अयोध्या के बाद से तो ट्रेन कछुआ चाल चल रही है। और इस रूट पर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमको लगती है ना, ये लखनऊ बनारस जो वाया अयोध्या जौनपुर वाला रूट है ना भाई, इधर के रेलवे स्टेशन भी इतने बकवास है कि आपको स्टेशन पर कुछ ना स्टॉल मिलेगा ना कुछ मिलेगा। समझ लीजिए ये कुछ जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, कोई भी भाई स्टॉल दिखाई नहीं दे रहा है आगे दूर दूर तक। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं रेलवे को कि ऐसे स्टेशन पर भी भाई कुछ तो अरेंजमेंट रहे पैसेंजर्स के लिए। कुछ नहीं है, बस हर जगह कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। बाकी ट्रेन ने तो भाई बहुत पका लिया है, अब क्या ही कहा जाए। लगभग 7.5 घंटे की देरी के साथ फाइनली भाई बनारस पहुंच चुके हैं इस ट्रेन से, और यहाँ का भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस ट्रेन को अब मुझे वाराणसी में ही डिबोर्ट करना पड़ा, उसका रीज़न ये था आगे की जो हमारी ट्रेन की कनेक्टिविटी थी ना भाई, इतनी लेट हो गई वो ट्रेन हमें मिलती नहीं और आगे जाने पर हमें मतलब समझ में आ नहीं रहा था, तो यहाँ पर डिबोर्ट करना बेस्ट समझा। थोड़ा घूमेंगे बनारस, देखेंगे किसी ट्रेन से आगे जर्नी कंटिन्यू रहेगी, बस ये ट्रेन ज़्यादा लेट हो जाती तो आगे के सारे प्लान चौपट हो जाते हैं। ये कुछ ट्रेन लगी हुई है तो भाई बहुत ख़तरनाक गर्मी चल रही है, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना तो ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, वरना ट्रैवल ना करें, बहुत ज़रूरी हो ना तभी ट्रैवल करें। भयंकर गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आपको हो सकती है। बाकी कैसी लगी आपको एक ये जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।